जम्मू कश्मीर के अखनूर से बुधवार की सुबह करीब 2:35 बजे पाकिस्तान की ओर से अकारण गोलीबारी की घटना सामने आई है। इस गोलीबारी का बीएसएफ ने बहादुरी से जवाब दिया। हालांकि इस जवाबी कार्रवाई में बीएसएफ का एक जवान घायल हो गया है। सीमा पर तैनात जवान अब पूरी तरह से हाई अलर्ट पर है। इस घटना के पूर्व बीएसएफ के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बयान दिया था कि सीमाओं पर घुसपैठ पर रोक लगाने के लिए सभी आवश्यक उपाय किए गए हैं। यह बयान विशेष रूप से जम्मू कश्मीर में धारा 370 हटने के बाद होने वाले आगामी विधानसभा चुनाव के मद्देनजर जारी किया गया था। अधिकारी ने आश्वस्त किया था कि सभी घुसपैठ विरोधी इंतजाम पूरी तरह से प्रभावी हैं और किसी भी प्रकार की आतंकवादी गतिविधि की संभावना नहीं है। बीएसएफ के बयान के बाद इंडियन आर्मी ने जम्मू कश्मीर के राजौरी जिले के नौशेरा इलाके में एलओसी के पास घुसपैठ विरोधी ऑपरेशन की जानकारी दी। रविवार और सोमवार की रात को शुरू किए गए इस ऑपरेशन में 2 आतंकवादियों को मार गिराया गया। उनके पास से भारी मात्रा में गोला बारूद और हथियार बरामद किए गए हैं, जिसमें 2 AK-47 और एक पिस्तौल शामिल है। अप्रत्याशित रूप से जम्मू के सुंजबान आर्मी बेस से बाहर भी आतंकवादियों के द्वारा की गई गोलीबारी की घटना में एक सैनिक घायल हुआ था, जो बाद में अस्पताल में दम तोड़ दिया। इन घटनाओं ने सीमा पर सुरक्षा के स्तर को और अधिक महत्वपूर्ण बना दिया है और सुरक्षा बलों को अतिरिक्त सतर्कता बरतने की आवश्यकता है। वर्तमान में सुरक्षा बलों की प्राथमिकता सीमा पर शांति बनाए रखना और किसी भी प्रकार की घुसपैठ को रोकना है। बीएसएफ और अन्य सुरक्षा एजेंसियों ने इन स्थिति को नियंत्रित करने के लिए सभी संभव कदम उठाए हैं।